हेलो दोस्तों, मैं तो हम आ चुके हैं बरमान। हम जा रहे हैं बीना बारा। इस मंदिर का नाम है मामा भांजा मंदिर। तो फाइनली हम जा रहे हैं बीना बारा के प्राचीन जैन मंदिर के अंदर। यह प्रतिमा है जैनों के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की, जो कि लाइमस्टोन और सिलिका से बहुत ही कलात्मक रूप से बनी हुई है, जो कि करीब 16 फीट ऊंची है। और इस प्रतिमा के आजू बाजू भगवान चंद्र प्रभु की 6.5 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा भी विराजित है। और यह है भगवान शांतिनाथ की पद्मासन प्रतिमा, जो कि करीब 18 फीट ऊंची है। इस मूर्ति की यहाँ के लोग बहुत सी कहानियाँ बताते हैं, जैसे कि यह मूर्ति यहाँ पर कैसे आई। अगर आपको भी यह कहानियाँ जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब हम जा रहे हैं इस मंदिर के तहखाने में। कहते हैं यह गुफा सुखचैन नदी तक पहुंचती है, पर अभी इस गुफा को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जैनों के द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ जी विराजमान हैं। यह पूरा मंदिर राजस्थानी कला का उच्चतम उदाहरण है। और यह है यहाँ का कुआं। और अभी हम देख रहे हैं गंधकुटी मंदिर को। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 40 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेंगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, यह मंदिर अभी भी रेनोवेट हो रहा है। जब यह मंदिर रेनोवेट हो जाएगा तो मैं ट्राई करूंगा इस मंदिर का ब्लॉग में फिर से बना सकूं। छोटे शिष्य परे बड़े होशियार, विद्या सागर गुरु पर जी का संग है विशाल। अगर आपको भी यह जगह अच्छी लगी हो तो आप यहां अवश्य आएं। यह देवरी से 6 किलोमीटर दूर है। अब हम आ चुके हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पारस धाम राजमार्ग।
बीनावारा राजमार्ग ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। चलिए यहीं खत्म करते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणिपात।